हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही क्यूट सा निटिंग पैटर्न। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, जेंट्स हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं। ये देखिए, फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो 4 के मल्टीपल से होंगे, प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा रखना होगा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। और ये जो डिज़ाइन है, टोटल 8 रो का डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड, बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 21 फंदे लिए हैं। 20 फंदे 4 के मल्टीपल से लिए हैं, प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा लिया है स्टिच के लिए। तो चलिए देखते हैं, ये इसकी फर्स्ट रो है और राइट साइड है। इस सारी रो को हम उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो है रॉन्ग साइड। अब देखिए ध्यान से, स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, धागा आगे करेंगे और एक फंदे के 7 फंदे बनाएंगे उल्टा बनते हुए। ये देखिए 1, इस फंदे को थोड़ा सा आपने लूज ही रखना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने एक फंदे के 7 फंदे बनाए। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3 फंदे सीधे बनाए हैं। ये हमारा 4 फंदों का पैटर्न है। एक फंदा ये वाला और 2, 3, 4। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदे के 7 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, धागा आगे, एक फंदे के 7 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, धागा आगे, 7 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लास्ट में 2 फंदे सीधे बना लेंगे। ये देखिए, सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो है राइट साइड। स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। अब हम 7 फंदों का एक फंदा बनाएंगे सीधा बुनते हुए। ऐसे लेंगे और सीधा बुनते हुए, ये देखिए
सात फंदों का एक फंदा बनाएंगे। डॉप करेंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने सात फंदों का एक फंदा बनाया और तीन फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे, सात फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए, चाहे आप एक साथ इनको बुन लीजिए, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे धागा ऊपर से लेकर आइए और थोड़े थोड़े फंदे करके इसके ऊपर से ड्रॉप कर दीजिए। ये देखिए, धागा आगे, फिर तीन फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, फिर से सात फंदों का एक फंदा बनाएंगे। धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर से सात फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इसको ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। तीन फंदे उल्टे, लास्ट में फिर से सात फंदों का एक फंदा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, लास्ट के दो फंदे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए, थर्ड रॉ कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रॉ है रॉन्ग साइड। इस रॉ में देखिए, दो फंदे सीधे हैं, सीधे बनाएंगे, धागा आगे, जो फंदे हमने सात फंदों का एक फंदा बनाया है उसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, 1 2 3। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने एक फंदा स्लिप किया, तीन फंदे सीधे, फिर से एक फंदा पार्ट वाइज स्लिप करेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे, स्लिप करेंगे, तीन फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से स्लिप करेंगे और तीन फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे, स्लिप करेंगे, लास्ट के दो फंदे सीधे बना लेंगे। ये देखिए, फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है और हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से यही फोर रो ऊपर रिपीट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। ये वाला पैटर्न यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, रो 5 राइट साइड, इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रो 6 रॉन्ग साइड। अब देखिए, पहले हमने स्टिच उतारा और एक फंदा सीधा बुना था, अब हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। ये देखिए, ये सेंटर का फंदा है, इसके ऊपर एक फंदे के सात फंदे बनाएंगे, 1 लूज रखें थोड़ा सा, 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से सात फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तीन फंदे सीधे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, तीन फंदे सीधे, सात फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4
फाइव सिक्स सेवन, लास्ट के तीन फंदे सीधे स्टिच भी सीधा ही बना लेंगे। रो सिक्स कंप्लीट हो गई है। अब देखिए रो सेवन राइट साइड, स्टार्टिंग के तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, टू थ्री, धागा पीछे, फिर से एक फंदे के सात फंदे बनाएंगे, ये देखिए ऐसे लेंगे और इसको ऊपर से टॉप करेंगे, ये देखिए धागा आगे, फिर से तीन फंदे उल्टे, वन टू थ्री, धागा पीछे, एक फंदे के सात फंदे बनाएंगे, धागा आगे, वन टू थ्री, धागा पीछे, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, वन टू थ्री, धागा पीछे, फिर से एक फंदे के सात फंदे बनाएंगे, धागा आगे, लास्ट के तीन फंदे उल्टे, स्टिच भी उल्टा ही बना लेंगे। रो सेवन कंप्लीट हो गई है। रो एट रॉन्ग साइड। अब जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा बुन लेंगे, जो सात फंदों का एक फंदा बनाया है उसको स्लिप करेंगे, धागा आगे, पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री, फिर से स्लिप करेंगे, तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री, धागा आगे, स्लिप करेंगे, वन टू थ्री, स्लिप करेंगे, वन टू थ्री, एस्टिच सीधा। ये देखिए रो एट कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रो सारी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही बार बार इसकी वन टू एट रो रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, जेंट्स हाफ स्वेटर फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में। तो फ्रेंड आप इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।